ना सोटे हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको ऑनलाइन आने को बोलिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो क्लासेस चल रही हैं इसको आप रेगुलर अटेंड करिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले कि बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी यूपी पीसीएल TG2 608 करके, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप ठीक है 608 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर किया करिए, और जो भी ऐसा है जिसने शेयर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर दीजिए। लाइक किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था ऑसिलेटर। ठीक है, तो ऑसिलेटर क्या होता है? गुड इवनिंग, तो ऑसिलेटर क्या होता है कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करिए। बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में आपको नंबर दिलाएंगे, और बाकी बेसिक मशीन और अलग अलग टॉपिक्स की भी आपको वीडियोस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, आप उस पर जाकर रेगुलर वीडियोस आप देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कराकर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक जल्दी जल्दी आपको कम्प्लीट की जाए, जिससे आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ऑसिलेटर क्या करता है? फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी, कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी आपकी आपका ऑसिलेटर बना सकता है कौन बताएगा? कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी बना सकता है ऑसिलेटर? गुड श्रवण, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक की जनरेट करेगा, कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा कौन बताएगा? तो आपको कल हमने बताया था जो है ऑसिलेटर वो कुछ हर्ट से लेकर के मेगा हर्ट तक की फ्रिक्वेंसी जो है वो बना सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि ऑसिलेटर कितने प्रकार के होते हैं और उसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। खाली आपसे इतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा अगर आपको वो पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सबसे पहला ऑसिलेटर जो आपका आता है वो है आपका कोलपिट ऑसिलेटर। और एक दूसरा होता है वो आपका होता है हार्टले ऑसिलेटर। ठीक है, एक आपका है कोलपिट ऑसिलेटर और एक आपका है हार्टले ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में दोनों जो है वो आपका लगभग सिमिलर रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक आपका ट्रांजिस्टर सर्किट होगा और एक आपका होगा फीडबैक सर्किट, आप सबको पता है। ठीक है, और ये किस आपका फीडबैक पे काम करता है? पॉजिटिव फीडबैक पे, तो मतलब ट्रांजिस्टर सर्किट भी आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा और फीडबैक सर्किट भी आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसमें पूछा जाता है कि जो कोलपिट है इसमें फीडबैक सर्किट जो होता है उसमें क्या यूज करते हैं? कोलपिट में फीडबैक सर्किट है उसमें तो क्या क्या यूज करेंगे? C1, C2 और L यूज करेंगे। ठीक है, कोलपिट में फीडबैक सर्किट में दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और हर्टले में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, ट्रांजिस्टर सर्किट 180 डिग्री देगा, फीडबैक सर्किट 180 डिग्री देगा और हमको
वेव मिलने लगेगी। हार्टले में क्या होगा, दो इंडक्टर और एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, कहां पर, फीडबैक सर्किट के रूप में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं आपके एग्जाम में। यही एक क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए कि कोलपिट ऑसिलेटर में कितने कैपेसिटर और कितने इंडक्टर होंगे, तो शायद आप में से काफी बच्चे इसको ना बता पाए, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जा रही है। अगला जो आपका आता है वो आपका पूछा जाता है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है, अगला जो आपका पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इसमें भी क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर सर्किट होता है, वो आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी इसमें क्या होगा, तीन आरसी लगे होते हैं, ठीक है, तीन आर और सी के सर्किट लगे होते हैं, तीन आरसी सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग फीडबैक के रूप में यूज करते हैं और वो आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। खाली जो मेन मैंने आपका पूछा जाता है उसके बारे में आप लोग को जान लीजिए कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि इसमें भी नॉर्मल एक ट्रांजिस्टर लगा होगा जो कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा और तीन आरसी सर्किट लगे होंगे, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर का कॉम्बिनेशन करके तीन आरसी सर्किट लगा होगा, तो वो फीडबैक के रूप में काम करेगा, वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। अब इसमें पूछा जाता है कि एक आरसी सर्किट कितना डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में, ठीक है। कोलपिट और हार्टले जो है ये ऑसिलेटर है, हम लोग ऑसिलेटर पढ़ रहे थे, ठीक है, ये ऑसिलेटर के प्रकार हैं, ठीक है, ऑसिलेटर के प्रकार है। कोलपिट ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर जिसमें ट्रांजिस्टर सर्किट जो है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा और फीडबैक सर्किट 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। जो फीडबैक के रूप में हम लोग कोलपिट में क्या इस्तेमाल करेंगे, दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर प्रयोग किया जाएगा, वहीं हार्टले में दो इंडक्टर और एक कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। काफी ज्यादा पूछा जाता है ये दोनों चीज, ठीक है, कभी ये पूछा जाता है कभी ये पूछा जाता है। और अगला जो पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इसमें आपका एक ट्रांजिस्टर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और तीन आरसी सर्किट लगे होते हैं फीडबैक के रूप में 180 डिग्री का देता है, और एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि एक आरसी जो है वो कितने डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, तो 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में याद रखनी है और गलत नहीं करनी है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, अब इतना हो गया, सबको कोई दिक्कत अगर किसी को है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो भी आपको बताई गई, नहीं वैसे क्वेश्चन आपको ऑसिलेटर से आता है, तो जो लोग भी अगर नहीं देखिए सब कुछ क्लियर है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितना भी अभी बताया गया ऑसिलेटर के प्रकार काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी कल जो ऑसिलेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे उसके अंदर वेव बनती है, ये पढ़ाया गया था, ठीक है, तो जिसने नहीं देखा हो देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए फॉर्मूला आपके में आता नहीं है, ठीक है, तो उतना बड़ी जितना आता है,
एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जितना आपका पूछा जाता है आपके बहुत ज्यादा डीपली आपके यहाँ आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पूछी जाती, खाली आपके यहाँ ऊपर ऊपर सब कुछ पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद करके कोई मतलब नहीं है। बाकी आपको कहने पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो जो कॉलपिट वाला है उसका फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा, एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी टी। हाँ, ठीक है, एल सी टी। तो सी टी क्या है? आपका टोटल कैपेसिटेंस, जो कि आपका C1 C2 upon C1 plus C2 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका है कॉलपिट का। अब इसी तरह आपका हार्टले का भी एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, LT बराबर क्या हो जाएगा, L1 plus L2 plus 2N। ठीक है, अब तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा फेज शिफ्ट, उसका भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नोट कर लीजिए फिर। वन अपॉइंट टू पाई आर सी अंडर रूट सिक्स। ठीक है, तो ये आपका है फ्रीक्वेंसी का, इसका फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको चाहे तो नोट कर लीजिए, बाकी ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। कोलपिट ऑसिलेटर है, ठीक है, बाकी आप लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं, ये साइंटिस्ट हैं दोनों, कोलपिट और हार्टले। ठीक है, इनके नाम पे ऑसिलेटर का नाम पड़ा है। कोलपिट ने कोलपिट ऑसिलेटर को फाइंड किया था, डिजाइन किया था, और हार्टले ने हार्टले ऑसिलेटर को डिजाइन किया था, तो उन्हीं के नामों पर ये ऑसिलेटर के नाम रख दिए गए हैं। गुड इवनिंग सतीश। चलिए, अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है? कुछ ऐसे स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हमको नेचर से मिलते हैं, और उनके अंदर कुछ ऐसा गुण होता है जो कि बाकी क्रिस्टल में नहीं होता है। ठीक है, ऐसे क्रिस्टल्स क्या कहलाते हैं आपके, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। मतलब ऐसे क्रिस्टल ऐसे होते हैं कुछ कि जिनको आप जब मैकेनिकल ऊर्जा देते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर देते हैं ऐसे क्रिस्टल, और जब हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल ऊर्जा देते हैं तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं फ्रिक्वेंसी से, जो कि आपकी सप्लाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो ऐसे क्रिस्टल क्या कहलाते हैं आपका, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। कभी कभी सिंपल सा इसका नाम आपसे पूछ लेता है, तो इसका नाम आप नोट कर सकते हैं। रोशेल शॉर्ट, क्वार्ट्ज, टरमलाइन क्रिस्टल। ठीक है, तो एक कुछ एग्जांपल आपके पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के। इसमें क्या होता है कि जब हम इसको मैकेनिकल ऊर्जा देते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा देते हैं इनपुट में, तो ये क्या करता है, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में दे देता है। ठीक है,
और जब हम इसको इलेक्ट्रिकल ऊर्जा इलेक्ट्रिक सप्लाई से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है सप्लाई फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। तो सिंपल सा आपका एक स्पेशल क्रिस्टल जो कि आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देने पर क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और मैकेनिकल सप्लाई मैकेनिकल इनपुट एनर्जी देने पर वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका आउटपुट में देता है। ऐसे क्रिस्टल कहलाते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, और इनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आप नोट कर लीजिए, कभी कभी इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी अगला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर के बीच का क्या रिलेशन है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर का आपस में क्या रिलेशन है, बहुत बार पूछा गया है, उसको नोट कर लीजिए। क्वालिटी फैक्टर बराबर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ का क्या रिलेशन होता है। कभी कभी आपसे पूछता है कि अगर हमने बैंडविड्थ बढ़ा दी तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर घट जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए अगर आपने ना नोट किया हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका ठीक है। अगला टॉपिक जो आपका है वो आपका है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपका रेडियो स्टेशन पर यूज किया जाने वाली चीज है। ठीक है, तो आप कभी सोचते होंगे कि जो रेडियो है वहां से आपका जो सिग्नल आता है तो आपको कैसे सब इतना क्लियर सुनाई देता है, कैसे आप इतनी दूर से भी आप इसको यूज कर लेते हैं। तो इसके पीछे क्या होता है, दो चीज होती है, एक आपकी होती है मॉड्यूलेशन और एक आपकी होती है डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है, या आप याद रखिएगा कि आपके पास दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक लो फ्रिक्वेंसी होती है, एक आपकी वेव जो होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव होती है। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी वेव होगी और हाई फ्रिक्वेंसी वेव होगी। जो हम लोग बोलेंगे, जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होती है, लो फ्रिक्वेंसी की होती है, ठीक। और जो हाई फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जो हम लोग ऑसिलेटर से बनाते हैं, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी
और हाई फ्रीक्वेंसी दो तरीके की वेव होती है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव को हम लोग क्या कहेंगे, कैरियर वेव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो जब लो फ्रीक्वेंसी की वेव है तो वो क्या होगा, ज्यादा दूर तक के नहीं जाएगी, थोड़ी दूर पर ही आपका जो सिग्नल, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी और बहुत दूर तक आपकी आवाज नहीं जाएगी। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी की है वो क्या होगा, काफी दूर तक के हम लोग उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसी चीज का हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की वेव को आपस में क्या करते हैं, हम लोग मिक्स कर देते हैं, जिससे जो लो फ्रिक्वेंसी वाली वेव है वो हाई फ्रिक्वेंसी के साथ मिल करके काफी दूर तक के चली जाती है। अब रेडियो स्टेशन में क्या होता है, एक आपका माइक होता है, ठीक है, यहां से आप क्या बोलते हैं, जो भी ऑडियो आप कुछ बोलेंगे, ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं ये क्या होगा, लो फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। अब यहां से ये जो होगी ये लो फ्रिक्वेंसी वेव चलेगी, ठीक, और आगे जाके इसको हाई फ्रिक्वेंसी की वेव मिल जाएगी, ठीक। और यहां पर इन दोनों का क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, यहां पर एक डिवाइस लगी होगी जो लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को आपस में मिक्स करके उसको हाई फ्रिक्वेंसी बना करके आगे की ओर भेजेगी। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव के साथ जोड़ देते हैं और उसको आगे ट्रांसमिट करते हैं, वो सिस्टम, वो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका मॉड्यूलेशन, ठीक है। अगर इसका उल्टा कर देंगे कि जब हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल से लो फ्रिक्वेंसी वेव को हम लोग बाहर निकालेंगे, लो फ्रिक्वेंसी जो ऑडियो सिग्नल है उसको बाहर निकालेंगे, वो सिस्टम क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। जैसे आपने रेडियो स्टेशन में कोई आपका रेडियो जॉकी बोला, ठीक, तो माइक पे आया, तो ये इसकी आवाज क्या है, लो फ्रिक्वेंसी की है। अब यहाँ से लो फ्रिक्वेंसी वेव आगे बढ़ी, अब नीचे हमने क्या लगाया हुआ, ऑसिलेटर, ऑसिलेटर ने हाई फ्रिक्वेंसी वेव जनरेट करी, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ पर जो हो रहा है इसको हम लोग बोल देंगे मॉड्यूलेशन, और ये क्या हो गया, हमने इसको ट्रांसमिट कर दिया, ठीक, ये आगे चला गया। अब जहां पर हमको इसको रिसीव करना है वहां पर हमने क्या बना दिया, रिसीविंग स्टेशन बना दिया, जहां पर हमको इसको रिसीव करना है। अब यहां पर हमने क्या लगाया हुआ है, एक डीमॉड्यूलेटर लगाया हुआ है, ठीक है। डीमॉड्यूलेटर काम क्या करेगा, जो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी वेव जो मिक्स होकर के आ रही है उसमें से क्या करेगा, ये हाई फ्रिक्वेंसी को अलग कर देगा, ठीक है। यहां से इसने हाई फ्रिक्वेंसी को अलग कर दिया और जो लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल था, यानी जो आपको ऑडियो सिग्नल था, ये इसने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल था इसने आगे बढ़ा दिया। अब ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, वो बहुत कमजोर होगा सिग्नल, तो अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एम्पलीफाई कर देंगे, इसको हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करेंगे। जब इसको एम्पलीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, फिर बाद में हम लोग इसको स्पीकर में, स्पीकर के जरिए इसको हम लोग सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सिग्नल है ये आपको ऑडिबल हो जाता है, ये आप आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, आपका रेडियो स्टेशन के अंदर होने वाला सिस्टम है, और इसमें हो क्या रहा है, आपका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ही हो रहा है और कुछ भी खास नहीं हो रहा है। इसमें कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मॉड्यूलेशन में जो आपकी वेव्स आती हैं, जो आप ऑडियो सिग्नल, जो आप लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उसको आप किसके साथ मिलाते हैं, तो आपको बोलना होगा कि हम लोग कैरियर वेव के साथ इसको ज्वाइन करते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका मॉड्यूलेशन। कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, आपकी हाई फ्रिक्वेंसी का होगा, और जो इनपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा, लो फ्रिक्वेंसी का होगा। डीमॉड्यूलेशन में क्या करेंगे, जो हमने मिक्स करके सिग्नल आगे भेजा हुआ है उसमें से डीमॉड्यूलेटर की सहायता से हाई फ्रिक्वेंसी को अलग कर लेंगे और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अलग कर देंगे। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल की स्ट्रेंथ कमजोर होगी, जिसकी वजह से हम लोग उसको एम्पलीफाई करके उसको स्पीकर में सुन लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी रेडियो स्टेशन में बैठा हुआ इंसान जो बोलेगा, आप कहीं पर भी दूर से उसको आसानी से क्लियर सुन सकते हैं।
ये पूरा सिस्टम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लेलिस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा जा करके देखिए। अगर जिसने नहीं देखा है, बहुत सारी वीडियोस आप लोग के लिए अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट को भी अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जिसको नहीं पता है कि कैसे क्या करते हैं। तो आप जाइए उनको साथ उसको शेयर करिए और बोलिए कि इसमें काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं जो आप आसानी से कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं, चाहे भी किसी भी टॉपिक से आप पढ़ना चाहें वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, चाहे मशीन हो, चाहे बेसिक हो, चाहे आपका पावर सिस्टम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई सा भी टॉपिक आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना जारी रखना है और बिल्कुल भी आपको हार नहीं माननी है और लगातार प्रयास करते रहिए। और चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।